बारां जिले में मंदबुद्धि महिला शहर के अंदर कई वर्षों से घूम रही थी। इसकी सूचना चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष उर्मिला जैन भाया को फोन द्वारा दी और फोटो डालकर सूचित किया गया, जिसके चलते आज उर्मिला जैन भाया ने सीएमएचओ डॉक्टर संपत राज नागर से बात की और सीएमएचओ डॉक्टर संपत राज नागर ने जिला अस्पताल पुलिस चौकी के कांस्टेबल नदीम खान को सूचना दी। नदीम खान द्वारा सुबह से ही इस मंदबुद्धि महिला को तलाश किया जा रहा था और करीब 12 बजे इस महिला की सूचना कॉलेज रोड पर होने की लगी, जिसके बाद पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद इस मंदबुद्धि महिला को पकड़ा। इससे पूर्व मंदबुद्धि महिला किसी के बस में नहीं आ रही थी। अस्पताल चौकी के हेड कांस्टेबल के ऊपर वार करना चाहा, लेकिन महिला को पकड़ लिया गया और 108 एम्बुलेंस में बिठाकर जिला अस्पताल लाया गया, जहां पार्श्वनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट की अध्यक्ष उर्मिला जैन भाया मौके पर पहुंची और उन्होंने इसके लिए भोजन की व्यवस्था की। इसके बाद मंदबुद्धि महिला को 108 एम्बुलेंस से कोटा अपना आश्रम में भिजवाया गया। यहां इस महिला का उपचार किया जाएगा। उर्मिला जैन भाया ने बताया कि कई बार ऐसी महिलाओं को अपना आश्रम स्थल कोटा में भिजवाया गया है और करीब 7 से 8 महिलाओं को कोटा अपना आश्रम में भिजवाया गया है, जहाँ से ये स्वस्थ होकर भी लौटी है। ये यहाँ पे मंदबुद्धि वाली लेडी जो डॉक्टर्स कॉलोनी में रह रही थी, तो मेरे पास 5-7-10 जनों के फ़ोन भी आए, फ़ोटोज़ भी आए बार बार के आप इसको पहुँचा दो। तो कोटा में अपना आश्रम जो संस्था है, मनोज आदिनाथ उनके सेक्रेटरी है, वो चलाते, तो उनसे मेरी बात हुई है। तो उन्होंने बोला कि आप उसको एम्बुलेंस करके और यहाँ पहुँचा दे। तो फिर मैंने CMHO साहब को अवगत कराया, तो CMHO साहब ने पूरी फॉर्मेलिटीज़ करके और यहाँ से आज हमने रवाना करिए, ताकि उसके जीवन में भी परिवर्तन आए और उसकी देख रेख हो जाए और उसकी केयर हो जाए, इसलिए हमने यहाँ से भेजा है। पहले भी ऐसे कहीं? हाँ, कम से कम भी 7-8 तो मैंने भेजी चुकी हूँ और एकदम ओके हो जाते हैं, मतलब एक दिन में ही उनकी हालत सुधार हो जाती है सारी जा करके।